नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। आपको भी पता है कि बिहार में चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया। इसके मद्देनजर इस महाकुंभ में कई पार्टियां उतरी और अपनी जो भी हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार को ही चुना। अभी मैं जहां हूं वहां पर रालोसपा के द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही है। रालोसपा के जो मुखिया है उपेंद्र कुशवाहा जी भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए और अभी समीक्षा बैठक चल रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान अभी लंच ब्रेक हुआ है और अभी जिस शख्स से आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूं मैं, इन्होंने उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में एक अपनी अमीर छाप छोड़ा है। सबसे पहले प्रशांत कुमार पंकज जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोच सकते हैं, एक तरफ भाजपा के कद्दावर नेता और दूसरी तरफ आरजेडी के कद्दावर नेता और तीसरी तरफ थे रालोसपा से चुनाव लड़ रहे प्रशांत कुमार पंकज जी। कैसा रहा चुनावी सफर? देखिए, चुनाव के प्रारंभ से ही पूरी ताकत के साथ हम लोग ने चुनाव लड़ने का काम किया। तो ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, जो ऐसा नहीं कि चुनाव अभी आया और चुनाव लड़ने के लिए हम लोग मैदान में गए और कूद पड़े। पिछले 1.5-2 सालों से हमारी तैयारी चल रही थी, उम्दा तैयारी चल रही थी। हर बूथ स्तर पे जो हमारा संगठन था, संगठन तैयार था। भले ही हम जदयू पार्टी से तैयारी कर रहे थे, राष्ट्रीय सचिव भी थे और उसी का संगठन भी तैयार किया हुआ था और हम लोग वहाँ पर कड़ी मेहनत की थी, क्योंकि हमारे पिताजी स्वर्गीय रामलखन महतो जी का क्षेत्र रहा है और काफ़ी उन्होंने विकास का काम किया है। तो वहाँ पे संगठन मेरा तैयार था और काफ़ी सख्ती से हमने चुनाव लड़ा। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि पूरे चुनाव के दरमियान वहाँ पे कभी लग ही नहीं रहा था कि हम चुनाव हारेंगे। और नित्यानंद राय जी जो गिरिराज मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वैसे लोगों को भी 10 से 15 दिन क्षेत्र में घर ही घर घूमना पड़ गया, ऐसी हमने नौबत ला दी थी। ठीक है, ये चुनाव पिछले 95 से हम देख रहे हैं और चुनाव में ध्रुवीकरण होता है, अंत में वही हुआ, ध्रुवीकरण हुआ और हम चुनाव हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। आपने लड़ाई लड़ी उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से और वहाँ से जीते हैं आलोक मेहता जी। अब आपकी रणनीति क्या होगी? चूंकि एक तरफ है नित्यानंद राय जी और दूसरी तरफ है आलोक मेहता जी और तीसरी तरफ होंगे आप, अब क्या करेंगे? नहीं, जहाँ पे अभी हैं हम लोग फिर से संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन चुनाव के दरमियान बहुत सारे अनुभव हमें हुए जो आपको हम बताना चाहते हैं। जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा, उनके मुखिया उपेंद्र कुशवाहा जी, वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। आप देख लीजिए, ये पूरे देश, बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में जाति के आधार पे ही लोग पार्टी को वोट देते हैं। चाहे यादव जाति के लोग हैं तो अपने तेजस्वी जी को वोट दे रहे हैं, पासवान जी की पार्टी है उनको वोट दे रहे हैं, हर जाति के लोग देते हैं। लेकिन हमारी जो जाति के कुशवाहा जो हैं वो मतलब मुखर होकर के सामने नहीं आते। जब तक जागृति नहीं आएगी कुशवाहा समाज में, हम लोग कैसे आगे राजनीति कर पाएंगे? कुशवाहा समाज को जगना होगा। सारी ताकत जो है हम वहाँ पे कुशवाहा के बीच में बोलते रहे कि आप हमारे पक्ष में आवाज़ दीजिए, आप अभी हमारे पक्ष में आवाज़ दीजिएगा, हम आपकी आवाज़ बन के हम वहाँ पे पटना में गूंजेंगे, आपकी आवाज़ बन के उपेंद्र कुशवाहा पटना में गूंजेंगे। लेकिन आपको अभी आवाज़ लगाना होगा। जब तक ये शक्ति आएगी नहीं कुशवाहा समाज में, ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं बढ़ सकता है, लेकिन अगर बात किया जा रहा, रालोसपा ने बसपा से गठबंधन किया, अकबरुद्दीन ओवैसी से गठबंधन किया, पूरे बिहार में आपकी पार्टी ने एक भी सीट नहीं ला पाया, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको हम बताते हैं कि पार्टी करीब 30 जगहों पे बहुत ही अच्छी खासी वोट भी आई है, 40,000, 45,000, 30,000 से ज़्यादा वोट आए हैं, जो वहाँ पे काफ़ी वोट हमें आए हैं। ठीक है, हम पिछड़ गए, लेकिन अगर हम लोग जीते होते तो ये भी बिहार की राजनीति अलग होती, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी क्या उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ गलती कर गए? नहीं, देखिए, जो चुनाव का समय होता है, जो चुनाव जब लड़ी जाती है, गठबंधन बनता है, तो उसमें गलती और सही देखी नहीं जाती है। एक मजबूत गठबंधन बना के, एक रणनीति बना के हम लोग मैदान में उतरते हैं और मैदान में हम लोग उतरे भी। ठीक है, हम लोग चूके
हम लोग से जो हम लोग पिछड़े हैं, हम लोग की हार हुई है, उस हार को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के साथ आगे की रणनीति अभी हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं कि आगे किस रणनीति के तहत हम लोग बिहार की राजनीति में फिर उभरेंगे और ताकत के साथ उभरेंगे। क्या लगता है आप कुशवाहा समाज को जागृत कर पाएंगे? ये एक अभियान हम लोग चलाएंगे और पूरे बिहार में हम लोग की कोशिश होगी कि हर एक कुशवाहा के गांव, पंचायत छोड़ दी, हर एक गांव में छोटे छोटे टोलों में कुशवाहा समाज के बीच में हम लोग जाने का काम करेंगे और जाकर उन्हें बताएंगे कि आपको हम लोग के पक्ष में खड़ा होना होगा। जब तक कि आप जो है हम लोग के पक्ष में खड़ा नहीं होंगे, यहाँ की राजनीति नहीं बदलेगी। यानी कि यादव जो है तो अपने नेता चुन लिए हैं, लालू प्रसाद यादव, और कुर्मी है नीतीश कुमार को पसंद कर लिए, यानी कि अब उम्मीद है कि कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा जी को पसंद करें। निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी आगे हम लोग के पूरे बिहार का नेतृत्व करेंगे और ये पूरे कुशवाहा समाज ही की बात नहीं है, कुशवाहा समाज तो हम लोग के साथ आएगा ही आएगा और इसके साथ भी और समाज के लोग भी हम लोग के साथ जुटेंगे और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। आप उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, एक तो समय से चल रहा था कि जदयू आपको टिकट देगी लेकिन बीच मौके पर आपको टिकट नहीं मिला, क्या कारण रहा? देखिए यहाँ पे बहुत साजिश हुई, तो साजिश में बड़े बड़े नेताओं का इसमें हाथ है, सभी उनका नाम हम जो डर गए थे क्या, वो उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं, भयभीत तो जरूर थे हमसे। जिस तरीके से मेरा संगठन तैयार था, पूरे लोगों का समर्थन मेरे पीछे खड़ा था, उनका भय तो जरूर था कि ये जो उभरता हुआ सितारा है इसको अगर रोकना है तो भी रोक लो, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की और हमें सफल भी हुए, लेकिन एक साजिश के तहत बड़े नेताओं के द्वारा हमें रोकने का काम किया गया, जो वहाँ के क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है और कुछ नेताओं को यहाँ पे सबक सिखाने का काम भी किए हैं और आगे आने वाले चुनाव में जो नेता बचे हुए हैं उनको सबक सिखाने का काम भी करेगी। प्रशांत कुमार पंकज जी, आपकी लड़ाई चलती रहे, ये हमारी शुभकामना है। अब अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए नया साल आने वाला है, नए साल की सबसे पहले तो बधाई हम सभी कार्यकर्ताओं को इस आपके चैनल के माध्यम से देते हैं और कहना चाहते हैं नए साल में नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ फिर से हम क्षेत्र में आएंगे, आप लोगों के बीच रहेंगे। हम जानते हैं कि जो अभी जीता हुआ है फिर वो बाहरी जीता है, कभी वो क्षेत्र में आने वाला नहीं, कभी वो देखने वाला नहीं, हम ही आपके बीच में रहेंगे, आपकी जो भी समस्या है उस समस्याओं का हल करेंगे, आपके हर सुख में दुख में शामिल रहेंगे, हम आपके बीच में आ रहे हैं नए साल से नई ऊर्जा के साथ। जी हाँ, प्रशांत कुमार पंकज ने ठाना है कि हिम्मत नहीं हारना है, बाहरी नहीं चलेगा, दलसिंह सराय के बेटा उजियारपुर विधानसभा जीतेगा और इनका जब तक ये जीत नहीं जाते तब तक ये अपना उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र छोड़ेंगे नहीं। आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है या खबर अच्छी लगी है तो जनता के हित में अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के खास मुद्दों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।